Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS today I am going to discuss exercise E. Match the following question of chapter 5. Chapter name is Fun and Games. First exercise is match the following people to their acts at the circus. Circus में काम करने वाले कुछ peoples के नेम दिए गए हैं, उनके क्या एक्ट है, वो सर्कस में क्या करते हैं, आपको उससे मैच करना है. देखिए फर्स्ट है एक्रोबैट्स. एक्रोबैट्स जिमनास्ट दिखाता है, अपने शरीर को रबड़ की तरह बैंड कर लेता है. जगलर्स प्लेट या बॉल को एक साथ कई सारे प्लेट या कई सारे बॉल को ऊपर फेंक कर और उसको कैच करता है, मतलब जगलिंग का काम करता है. टाइट रॉप वॉकर्स जो है तनी हुई रस्सी पर चल के दिखाता है. मैजिशियन मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है. ट्रैपीज आर्टिस्ट झूले पर स्विंग होता है. क्लाउन्स जो है वे लोगों को हंसाते हैं. तो देखिए फर्स्ट एक्रोबैट्स. एक्रोबैट्स क्या करते हैं, वो बेंडिंग लाइक रबर, रबर की तरह बेंड हो जाते हैं. जगलर्स ये जगलिंग का काम, वर जगलिंग मेनी बॉल्स, बहुत सारे बॉल्स को ऊपर फेंक कर उसको जगलिंग करते हैं, उसको बारी बारी से उसको कैच करते जाते हैं. टाइट रॉप वॉकर्स क्या करते हैं, वर वॉकिंग ऑन द रोप, वो रोप पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं, मतलब चलते हैं. मैजिशियन, मैजिशियन क्या करता है, जादूगर, वाज डूइंग मैजिक, वह जादू दिखाता है. ट्रैपीज आर्टिस्ट क्या करता है, वर स्विंगिंग ऑन द स्विंग बार, स्विंग बार के ऊपर वह स्विंग करता है, झूलता है. क्लाउन्स क्या करता है, क्लाउन्स वर मेकिंग मेन द पीपल लॉफ, क्लाउन्स बहुत सारे लोगों को हंसाता है. तो ये ट्रैपीज आर्ट क्या होता है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ ट्रैपीज आर्ट के बारे में. Thank you.
तो इस तरह से आपने देखा ट्रैपीज एक्ट क्या होता है। ट्रैपीज एक्ट में जो खिलाड़ी होते हैं वो स्विंग झूले पर जो है एक झूले से दूसरे झूले पर जाते हैं और दूसरे के हाथों को हवा में स्विंग करते हुए दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को। तो इस तरह से वो अपना आर्ट दिखाते हैं। देखिए लास्ट ये बचा हुआ है लर्निंग बाय डूइंग। गिवन बिलो इज अ रंगोली डिज़ाइन। लिखा हुआ है कि नीचे रंगोली का डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन बुक में आपके कोई रंगोली का डिज़ाइन नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, अपने से कोई भी एक रंगोली का डिज़ाइन अपने कॉपी पर बनाएंगे। तो आज आपको एक्सरसाइज ई बुक में फिल कर लेना है और अपने मन से कोई भी एक रंगोली का डिज़ाइन बनाना है और उसको कलर करना है। आगे लिखा हुआ है कॉपी इन अ लार्ज पेपर एंड फिल इट विथ ब्यूटीफुल कलर। आपको उसको कलर करना है। फाइंड आउट हाउ द एक्चुअल रंगोली इज मेड। बताना है कि वास्तव में रंगोली किस चीज़ से बनती है। तो रंगोली बहुत सारी चीज़ों से बनाई जाती है। नेचुरल जो रंगोली है वो फूलों से बनती है, या फिर बहुत सारे जो होममेड चीज़ें होती हैं जैसे कि टर्मरिक या कुमकुम, उससे भी रंगोली बनाई जाती है। तो आप कोई भी एक रंगोली डिज़ाइन अपने कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।